हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बुलंदशहर में भी डायल 112 पर महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की जा चुकी है। यहाँ एसएसपी संतोष हरी झंडी दिखाकर महिला पुलिस कर्मियों को पीआरवी पर रवाना किया। आपको बता दें कि बुलंदशहर में 5 पीआरवी गाड़ियों पर महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई, जो 12-12 घंटे 2 शिफ्टों में ड्यूटी कर रात दिन महिलाओं की सुरक्षा प्रदान कर सकेंगी। 112 पर ड्यूटी करने वाली महिला पुलिस कर्मियों की विशेषता रहेगी कि वो समय पर पहुंचकर महिलाओं की मदद करेंगी। जबकि जरूरत पड़ने पर ये महिला पुलिसकर्मी किसी कारण देर रात निकलने वाली युवती या महिलाओं के साथ जाकर उनके गंतव्य तक पहुंचाया करेंगी। इन महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती बुलंदशहर की नगर कोतवाली, देहात कोतवाली, सिकंदराबाद कोतवाली, गुलावठी थाना और खुर्जा कोतवाली क्षेत्र की पीआरवी पर की गई है। जिनकी रवानगी एसएसपी संतोष सिंह ने बुलंदशहर पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर की है। ये पूरे शासन स्तर से और प्रादेशिक पुलिस के स्तर से अनवरत प्रयास चल रहा है कि महिलाओं को हम एक सुरक्षित परिवेश दें, माहौल दें, और जो भी महिलाएं कहीं अकेली हैं रात के समय या दिन में भी किसी तरह की समस्या में हैं, तो उनकी मदद के लिए तत्काल महिला आरक्षी उपलब्ध हो जाए, इसी उद्देश्य को लेकर के अभियान प्रारंभ किया गया है। और डायल 112 की गाड़ी में प्रत्येक गाड़ी, जो 5 गाड़ियां हमने चिन्हित की हैं इस उद्देश्य के लिए, उसमें 2-2 महिला आरक्षी दिन में और रात में अलग अलग शिफ्ट वार ड्यूटी में लगाई गई हैं। और मकसद यही है कि हम महिलाओं को अधिकाधिक सुरक्षा दें, उनमें एक आत्मबल पैदा हो, ताकि कभी किसी समस्या में पड़ने पर 10 मिनट के भीतर उन तक महिला आरक्षी की पहुँच सुनिश्चित कराई जा सके। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time24 न्यूज। Time24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।